वेलकम टू A24/7 एजुकेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो भी मरुस्थल, जो भी रेगिस्तान, जो डेजर्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम देख लेते हैं कि वो वर्ल्ड मैप में कहां कहां पर हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कि दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ग्रेट विक्टोरिया जो कि कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके बाद गोबी जो है आपको दिख रहा होगा लगभग चाइना और यहाँ पर पड़ता है, ये गोबी, ठीक है। और तकला माकन मरुस्थल जो है वो यहीं पर ही पड़ता है, एशिया में ही। थार जो है वो भारत में पड़ता है, भारत पाकिस्तान सीमा पर। सहारा आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैप में यहाँ पर, ये अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी जो है लगभग पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। ये अटाकामा दिख रहा होगा आपको, ये दक्षिणी अमेरिका जो है यहाँ पर, ये अटाकामा पड़ता है चिली के यहाँ पर। अब आपको पता चल चुका है कि कौन कौन सा मरुस्थल जो है वो कहाँ कहाँ पर है। चलिए अब हम देखते हैं, ट्रिक से इसको याद करते हैं और फिर क्वेश्चन सेट लगाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चीन के जो रेगिस्तान है वो कौन कौन से हैं जो चीन के पास पड़ते हैं। तो पहला हमारा नंबर है तकला माकन और सेकंड आता है गोबी मरुस्थल। ये दोनों मरुस्थल जो हैं वो चीन पे पड़ते हैं। तो अब क्वेश्चन जो बनता है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको याद कैसे करें, तो जैसा कि आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा, तकला माकन में हमको वर्ड पकड़ना है। हमारा टारगेट होता है कि वर्ड से अगर हम निकाल के रख लें तो हमारा काम हो जाएगा एग्जाम में। तो तकला माकन में दोस्तों वर्ड हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है कला। ये कला दिख रही होगी आपको, ये कला। तो जितने भी चाइनीज लोग होते हैं दोस्तों, उनमें कला जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। आप चाहे ओलंपिक देख लो, ओलंपिक में हर स्पोर्ट्स में बेस्ट चाइनीज। चाहे आप टेक्नोलॉजी के बारे में देख लो, चाइनीज सबसे बेस्ट। तो उनमें कला जो है वो कूट कूट के भरी है। तो कला से हम पकड़ सकते हैं कि चाइना। अगला आता है दोस्तों हमारा वर्ड सेकंड वाला, गोभी। अब आपको पता होगा कि चाइनीज फूड जो है वो सारा, जो चाइनीज फूड होता है वो मैक्सिमम गोभी से बनता है, मंचूरियन हुआ सारा। तो गोभी हम आसानी से पकड़ सकते हैं जो कि चाइना से रिलेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने दोनों को याद करने का तरीका देख लिया। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं, अगर गोभी एग्जाम में पूछते हैं तो कहीं कहीं पे पूछा जाता है तो ऑप्शन में चाइना भी होता है, ठीक है, और या तो फिर मंगोलिया दिया जाता है, क्योंकि ये चाइना और मंगोलिया दोनों के बॉर्डर में स्थित है गोभी मरुस्थल। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, गोभी मरुस्थल जो है, गोभी रेगिस्तान जो है, ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, गोभी मरुस्थल दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। अगला बात आती है तकला माकन। तकला माकन दुनिया का सबसे ज्यादा शीतोष्ण मरुस्थल तकला माकन है। तो इस तरीके से दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मरुस्थल के बारे में। दोस्तों अब आपको एक जैसा कि इमेज दिख रही होगी, ये इमेज क्या शो करती है मैं आपको बताता हूँ। आपको रेगिस्तान दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा रेतीला रेगिस्तान है ये, यहाँ पर रेत जो है बहुत ज्यादा है। और इस रेगिस्तान में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्यों मैं बताता हूँ कारण। कारण ये है कि कोई अगर जाने की कोशिश करता है तो इस रेत के अंदर धस जाता है और अटक जाता है वहीं पर ही, आगे ही नहीं बढ़ पाता है, कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। सिर्फ इस रेगिस्तान में ऊपर चीले उड़ती रहती है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपने जैसे कि अब स्टोरी सुन ली, देख लिया, समझ लिया, अब हम चलते हैं अगले वाले पे, रेगिस्तान पर, और देखते हैं आप आसानी से उसको याद कर लोगे अब। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला रेगिस्तान है वो दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तान है, वहां पर पड़ता है अटाकामा चिली। तो मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का तरीका, ऐसा रेगिस्तान जिसका नाम हो अटाकामा, अटाकामा मतलब अटक का, अटक का, अटक का मतलब समझ में आ रहा है ना, अटका, कोई आदमी अटक गया, अटका। तो आपको जैसे भी याद है कि अगर कोई अटक गया आदमी तो वहां पर आदमी तो रहेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर चीले उड़ेगी, तो चीले से हमको बना चिली, ठीक है, और आदमी अटक गया, तो हम पकड़ सकते हैं आराम से कि अटाकामा जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, चिली में है। और हमें ये जरूर पता है कि चिली जो है वो कहाँ पर पड़ता है, हमको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो इस तरीके से लिंक से हम निकाल सकते हैं उसको आसानी से। तो हमें ये वाला भी दोस्तों आसानी से याद हो गया। चलिए अगला अब हम मरुस्थल देखते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों अफ्रीका के रेगिस्तान। मोस्टली जो रेगिस्तान है वो सारे दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप दक्षिण अफ्रीका क्लिक करेंगे। अब कौन कौन से रेगिस्तान पड़ते हैं, पहला आता है सहारा रेगिस्तान, दूसरा आता है कालाहारी रेगिस्तान। इसमें सहारा जो रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है तो सहारा रेगिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अफ्रीका में स्थित है। अब इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं।
तो मैंने जो ट्रिक बनाई है मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा रेगिस्तान है फ्रेंड्स कि अगर कोई पार करने की कोशिश करता है रेगिस्तान को तो उसको सहारा की जरूरत होती है, मतलब किसी दूसरे आदमी का सहारा। खुद अपने दम पे इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सकता क्योंकि अपने आप में ये इतना बड़ा रेगिस्तान है, तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। और ये सहारा जो होता है, बिल्कुल कोई भी अगर इंसान दूसरे किसी को अगर सहारा देता है तो वो बिल्कुल फ्री देता है, मतलब उसका वो ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज लेगा इसको पार करने के लिए, तो बिल्कुल फ्री एकदम सहारा देगा वो। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं, फ्री देगा मतलब अफ्रीका, ठीक है, और सहारा मतलब सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया क्योंकि पार ही नहीं कर पा रहे, उसको सहारे की जरूरत पड़ रही। तो ये दोनों तरीके से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा पड़ता है कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान को हम ऐसे याद रखेंगे कि अफ्रीका है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस वजह से क्या है वहां के जो लोगों का कलर है वो हल्का हल्का काला है, ठीक है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं उसको कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो दोनों हम आसानी से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों भी हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट मरुस्थल फ्रेंड्स। अब अगला आता है अपना एशिया के रेगिस्तान। एशिया के रेगिस्तान में जैसे हम पढ़ चुके हैं गोबी और तकलामाकन, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब नंबर आता है थार मरुस्थल का, ये एशिया में ही पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है आप सभी को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के यहाँ पर पूरा ये थार मरुस्थल पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, एज सच कोई ट्रिक से हम याद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी, हमें पता है ये थार मरुस्थल इंडिया में है। ऑस्ट्रेलिया का है कौन सा मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों क्रिकेट की टीम है, वो कितनी खतरनाक टीम है, हमेशा जो भी है वो विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री के नाम से जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया टीम। उसने ऑलरेडी इतने वर्ल्ड कप जीत रखे क्रिकेट में, तो जहां पर विक्ट्री आती है तो मेरा तो कॉन्सेंट्रेट ऑस्ट्रेलिया पे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट सारे जो है हमारे मरुस्थल कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताता हूँ, जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक। वो ट्रिक है दोस्तों कि यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। अगर ऑप्शन में हमको यूरोप दिखता है तो पहली बात, अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो एग्जाम में कभी कुछ भी कर रहे हो तो प्लीज यूरोप पे मत लगाइएगा क्योंकि यूरोप में तो रेगिस्तान है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमारा एक ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाएगा। अगर हमको कहीं डाउट भी होगा तो हम उसको कैच कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने सारे मरुस्थल पढ़ लिए हैं। तो यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब दोस्तों हम टेस्ट को अच्छे से लगाते हैं और देखते हैं कि हमने जो ट्रिक बनाई है वो कितनी सक्सेसफुल है अगर हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अच्छे से टेस्ट लगाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था कालाहारी, गोबी बिल्कुल भी नहीं, सहारा, थार। तो सहारा इतना बड़ा मरुस्थल है कि उसको पार करने में किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, तो सहारा हमको आसानी से क्लिक हो गया। दक्षिणी एशियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दक्षिणी एशियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। तो दक्षिणी एशियाई, जैसे कि एशिया के दक्षिण में भारत देश स्थित है, ठीक है, तो अटाकामा, कालाहारी, थार और कोलोरेडो। तो अटाकामा हमें पता है, कालाहारी में पता है जो कि इंडिया एशिया में पड़ते ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा आंसर इसका, थार होगा क्योंकि भारत देश एशिया के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में ही थार मरुस्थल है। तो आसानी से हम आसान आंसर लगा सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है। गोबी मरुस्थल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोबी मरुस्थल जो है, गोबी से हमें चाइना याद आता है और चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पे वो पड़ता है। ऑप्शन में चाइना नहीं है, मंगोलिया है, तो हम आंसर लगाएंगे मंगोलिया, इसका आंसर होगा सी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो तकला माकन दोस्तों हमने जैसे कि देखा था, हमको वर्ड पकड़ना है, तकला का कला हमने पकड़ लिया, तो कले से हमें याद आया कि कला कूट कूट के किसमें भरी हुई है, चीनी लोगों में भरी हुई है, तो हमने वहां से निकाल लिया फ्रेंड्स आंसर डी, चीन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, सारा, गोबी, अटाकामा, थार, ऑब्वियस सी बात है थार, तो आंसर लगेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है। तो कालाहारी, तो काला से दोस्तों हमको याद आया था कि कलर याद आया था और कलर से हमको याद आया अफ्रीका, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के जो लोग हैं
वहां का उनका कलर कौन सा होता है, काला होता है। तो काला से हम पता कर सकते हैं कि जो अफ्रीका, आंसर लगेगा इसका ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं चिली, पेरू, ब्राजील और कोलंबिया। तो अटाकामा, मैंने आपको बताया था ऐसा मरुस्थल है अटाकामा जहां पर क्या होता है, आदमी अटक जाता है, तो वहां पर कोई जाना पसंद ही नहीं कर रहा है। वहां पर सिर्फ कौन है दोस्तों, चिली चील उड़ रही थी, मैंने आपको इमेज बताई थी, इमेज आपके दिमाग में बिल्कुल घुस चुकी है, आपको वो हमेशा दिखेगी। तो आप आंसर क्या लगाओगे, चिली चील उड़ रही है, तो चिली, तो दक्षिणी अमेरिका हमको पता ही था, तो ए आंसर लगेगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेगिस्तान और स्थान दे रखे हैं, इनको हमको सही वाला मिलाना है। तो कालाहारी, कालाहारी जैसे कि हमें पता है काला तो अफ्रीका के पास गया, ये वाला तो ए का होगा थर्ड। अटाकामा, अटाकामा कहाँ पर होगा, दक्षिणी अमेरिका में होगा। ठीक है, थार वाला कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, एशिया में, और ग्रेट विक्टोरिया हमने पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब ए का होगा थर्ड। तो ए का थर्ड हमारे पास ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं हम। अब अटाकामा जो है वो बी का होगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट मतलब ए आंसर इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं हमारी ट्रिक से। आपको भी टेंशन नहीं रहेगा कि बार बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप ही को एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये, फिर बार बार इसका रिविजन करने की भी आपको टेंशन नहीं पड़ेगी। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसा प्यार बनाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।